क्योंकि पर्सनली मुझे इसका डिजाइन अच्छा नहीं लगता। इतना स्मूथ है ना, यूट्यूब से ले ली मैंने, और क्या, इसका पिकअप ना रॉकेट की तरह है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटर स्प्रिट्स। गाइस, कैप्शन देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। एज यू नो, दिस इज जैन 2024 एंड इस साल की शुरुआत मैंने एक दूसरी बाइक से की है। एक नई बाइक कह सकते हो, एक्चुअली नई भी नहीं है, ये सेकेंड हैंड बाइक है और ये एक ऐसी बाइक है जो कि पीपल्स चॉइस है। जी हाँ गाइस, ये बाइक हर किसी बंदे को पसंद है। और ये मैंने इसको बोला। अच्छा, हाँ गाइस बिल्कुल सही है, इसी ने बोला ये लाने के लिए, कुछ हद तक ये भी सही है। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं ये कौन सी बाइक है? येलो और ब्लैक। हम्मा, आपको नहीं गैस करनी है, ये लोगों को गैस करनी है। आपको एक टिप दे देता हूँ, आप मुझे बोलो कि ये कौन सी बाइक है। मैंने उसको घर लाते ही सबसे पहले इसका ये टायर हगर रिमूव कर दिया, क्योंकि पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। एंड इसके रियर व्यू मिरर्स भी मैंने रिमूव कर दिए। हाँ, कुछ टाइम में मैं ये रिप्लेस करा दूंगा, आफ्टर मार्केट लगा दूंगा इसमें। आई होप गाइज, आप लोगों ने इतने टाइम में बता दिया होगा, गेस कर लिया होगा ये कौन सी बाइक है। अब टाइम आता है मैं इसका ये कवर उठा दूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, ये एक पल्सर RS 200 है। सबसे पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड देता हूँ। गाइज, ये था इसका वॉक अराउंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्टार्ट करके एंड चला के। तो चलो गाइज, हो गई ये स्टार्ट, चलते हैं। इसकी ये हॉर्न मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, सबसे पहले तो यही चेंज करने वाला हूँ मैं। है तो ये एक RS 200, लेकिन ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, उसके काफी सारे रीजंस हैं, आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहला खास रीजन क्या इसको स्पेशल बनाता है, ये एक BS3 पल्सर RS 200 है। जी हाँ गाइस, BS3, वहीं पे कंपटीशन खत्म होता है। BS3 मतलब सबसे स्पेशल RS 200 पल्सर। ये 2016 मॉडल है और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, ये मैंने कितने में ले ली है, आप यूँ इशारा समझ लो कि ये मैंने उतने में ले ली है कि उतने में मैं BS6 पल्सर RS 200 ले सकता था। लेकिन मैंने क्यों इसी को चूज़ किया, मैं आपको बताता हूँ। और कौन से रीज़न है जो इस बाइक को सबसे अलग बना देते हैं, सबसे खास। पहला रीज़न मैंने आपको बता दिया है, BS3 पल्सर है। और गाइस, ये मैंने फर्स्ट ओनर से ले ली है। जी हाँ, जिनसे मैंने ले ली है वो फर्स्ट ओनर है, उनके नाम पे बाइक है। वो बेचने के लिए रेडी नहीं थे लेकिन मैंने ले ली वैसा दाम दे के। हो गए दो रीजंस। तीसरा रीज़न, यहाँ पे देखिए आप मीटर पे जेन्युइन रीडिंग है सिर्फ 20,000। आप यहाँ पे देख सकते हैं 21,000 किलोमीटर्स, 20,000 किलोमीटर जेन्युइन चली है। कंपनी टायर्स अभी इसमें लगे हुए हैं। हो गया ये एक और रीज़न। और चौथा रीज़न जो आपको हमना ने भी बोला है, उसको येलो कलर पसंद था तो मैंने येलो ही ले लिया। वैसे भी यहाँ पे येलो कश्मीर में बहुत ही रेयर है, दिखेगा नहीं आपको सड़क पे, तो उसलिए ये सारे फैक्टर्स इस बाइक को अलग बना देते हैं। और मुझे पर्सनली भी येलो एंड ब्लैक ही पसंद था इसमें। देख लो गाइज, अभी 6th गियर में चल रही है, कितना स्मूथ चल रही है। कि इंजन कंडीशन, एक्सीडेंट गारंटी सब कुछ है, तो उन सब वजह से भी वैसा ही दाम देना पड़ा। मैंने इससे पहले एक बारी KTM 390 ड्यूक लाई थी, सस्ते में ले ली थी, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत खर्चा आ गया और उसका कोई फिर भरोसा भी नहीं रहा जब इंजन में पैसे लगते हैं। फिर मैंने उसको कम दाम में ही बेच दिया, सारा ही नुकसान ही हो गया।
तो उस वजह से मैं अभी इसको महंगा भी खरीद के बहुत खुश हूँ, क्योंकि बस मैंने ले ली, इसमें कोई खर्चा नहीं है। अब आगे टायर्स चेंज कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत पुराने 2016 वाले टायर्स ही लगे हुए हैं इसमें। बस ये हॉर्न मुझे चेंज करना है इसका। इसका इंजन साउंड सुनिए, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है गाइस। और इसकी अलाइनमेंट में आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए एकदम पूरी स्टेबल है। तो हमारे गैराज में इसी के साथ ये तीसरी बाइक ऐड हो चुकी है। इसके बगैर भी मेरे पास दो है, आप लोगों को पता है। अब जिसको नहीं पता है वो मेरे वीडियोस देख के पता लगा ले कौन सी दो है मेरे पास। एक परफेक्ट कॉम्बो बन गया है मेरे पास। इसका इंजन साउंड इतना स्मूथ है ना, लग रहा है अभी ही बस नई बाइक ले ली है। कुछ लोग बोलेंगे भी शायद गाइस कि ये पागल है, क्यों BS3 ले ली जब BS6 ले सकता था सेम प्राइस में। उनको मैं जवाब देना चाहूंगा ऐसे, देखिए क्यों BS3। भैया इसका पिकअप ना रॉकेट की तरह है, एज फास्ट एज रॉकेट। देखो ये था इसका एक शॉर्ट ड्रैग था अभी कुछ, अभी शायद एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 5 गियर्स दिए हुए थे मैंने, तो ये इसका एकदम आपको मैंने एक ड्रैग दिखा दिया है, थोड़ी सी झलक दिखा दी है। ये वाली बात सिर्फ BS3 में है। अब BS4 BS6 BS7 कोई भी ले लो, नहीं कर पाती इससे कम्पीट। और भैया आप कहीं भी ढूंढ लो सेकंड हैंड बाइक BS3, आपको इतनी कम चली हुई मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो खास चीज़ के लिए खास दाम देना पड़ा मेरे को। और अब धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करेंगे हम। लोग भी देख रहे हैं, वाह अच्छी बात है, क्योंकि भैया इतनी साफ बाइक, पुरानी बाइक दिखती नहीं रोड्स पे, तो वो रीज़न है। अब पैसे कहाँ से आए इस बाइक के लिए? यूट्यूब से ले ली मैंने और क्या। नहीं 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 गाइस, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, तो यूट्यूब से कहाँ से आएंगे पैसे। आप लोग अगर साथ देंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, एंड मैं सचमुच यूट्यूब मनी से एक और बाइक ले आऊँगा। अभी तो फिलहाल मैंने अपनी पॉकेट मनी से ले ली है, और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी ऐसे पर्सन का है जो मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ऐसा समझ लो कि ये बाइक दे दी मेरे को, तो उसको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड पता नहीं सारे लोगों को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। बस यार मेरी वीडियोस देखो, अभी तो बस पॉकेट मनी यानी घर वालों की कमाई पे चल रहा हूँ। बस ऐसा दिन आ जाए कि यहाँ से कुछ घर वालों को दे दूँ। मेरी वीडियोस देखा करो, अदरवाइज मेरे को जॉब के लिए जाना पड़ेगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता। मेरा इंटरेस्ट पैशन बस यही है, बाइक्स एंड बाइक्स बस। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर गाइज, खुदा हाफिज़।